तो दोस्तों, सुबह से मेरे घर पे इंटरनेट है नहीं, और मैं इसी चीज़ के बारे में हमेशा सोचता हूँ जब भी मेरे घर पे इंटरनेट नहीं होता, कि अगर लाइफ में इंटरनेट रहा ही नहीं गया फिर काफ़ी समय के लिए, अगर इंटरनेट चला गया तो मैं क्या करूँगा। मतलब मेरा ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटरनेट यूज़ है वो है मूवीज़ के लिए, म्यूज़िक के लिए। मेरा घर का जो टेलीविज़न है वो कम्प्लीटली फायर स्टिक पर चलता है, तो वो एक एक्सेस मेरा बंद हो जाएगा अगर इंटरनेट ना हुआ तो। मेरा काफ़ी सारा मेरा जो डिपेंडेंसी है वो इंटरनेट की सिर्फ मेरे काम के रिसर्च और रिसोर्सेज पे है। जो मेरे काम के रिसोर्सेज आते हैं वो सारे इंटरनेट से आते हैं, और रिसर्च भी मेरा जो है वो इंटरनेट पे ही चलता है। तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा इंटरनेट के बिना ये सारी चीज़ों को ईज़ीली अवेल करने में। पर शायद कुछ दिनों बाद मैं अडेप्ट कर लूँगा, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन एन पर्सन जो सिचुएशन को अडेप्ट कर लेता है ईजीली। क्या होगा मैं शायद मूवीज़ नहीं देख पाऊँगा, म्यूज़िक नहीं देख पाऊँगा, मैं रिसर्च नहीं कर पाऊँगा ईजीली, मैं रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं कर पाऊँगा ईजीली, मैं जो इजी नॉलेज है, मैं किसी भी चीज़ के बारे में अगर जानना चाहता हूँ या कोई चीज़ अगर मेरे कानों पे पड़ती है तो मैं सबसे पहले इंटरनेट पे उसको सर्च करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ कि लोगों का क्या कहना है उसके ऊपर। शायद वो एक्सेस ना रहे मेरे पास, जो नॉलेज मुझे मिलता है ईजीली वो शायद मेरे लिए एक्सेसिबल ना रहे। और किसी भी चीज़ को, या फिर कोई भी जब मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आता है किसी भी चीज़ को लेकर, लाइक मोबाइल रिपेयर करना हो, लैपटॉप रिपेयर करना हो, या कोई भी कोई ऐसी चीज़ जो मैं जानता नहीं हूँ जिसके बारे में, बट मैं उसके ऊपर सोल्यूशन ढूंढना चाहता हूँ, तो मैं पढ़ता बहुत हूँ इंटरनेट पे, तो वो शायद मेरा एक्सेस निकल जाए। मैं हर चीज़ का सोल्यूशन इंटरनेट पे ढूंढता हूँ। ऑब्वियसली इंटरनेट जस्ट आपको ऑप्शन देता है, आपका नॉलेज जो है वो आपका राइट ऑप्शन चूज़ करने में मदद करता है, बट वो ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी आपको ये ऑप्शंस इजीली बुक्स में ढूंढना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप बुक्स में अगर ढूंढने जाओगे तो एक तो बुक्स हमेशा अपडेटेड नहीं रहती, जिस तरह से इंटरनेट अपडेट होता है हर वक्त, कोई ना कोई उसे अपडेट करते रहता है, उस नॉलेज को अपडेट करते रहता है, उस सोल्यूशन को देते रहता है हर चीज़ के बारे में। मतलब अगर कोई चीज़ आज अगर इनोवेट होती है तो उसको लेके क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और उसको लेके क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं उस चीज़ के, हम आसानी से हम लोग ढूंढ सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। शायद वो मेरा एक्सेस निकल जाए, मुझे हर चीज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्टी से करनी पड़े, या फिर हर चीज़ को करने से पहले थोड़ा सा वेट करना पड़े, या उसको समझने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़े, इतना आसान नहीं होगा। बट अदर देन डैट शायद मेरे लिए उतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा इंटरनेट के बिना जीना। मैं स्केचिंग कर लूँगा, आई एम अ फाइन आर्टिस्ट, लाइक मैं पेंटिंग करता हूँ, मैं स्केचिंग करूँगा शायद। मुझे साइकिलिंग बहुत पसंद है, तो शायद मैं साइकिलिंग पर निकल जाऊँ, साइकिलिंग टूर करूँ, या ऐसा कुछ जो मैं हमेशा से एक लॉन्ग साइकिल राइड पे निकल जाना चाहता था, शायद मैं वो करूँ इंटरनेट के सिवा, कि मैं एक लॉन्ग साइकिल ड्राइव पे निकल जाऊँ। शायद आई डोंट नो कितने दिनों के लिए, बट शायद काफ़ी लंबे समय के लिए निकल जाऊँ, और मैं मेडिटेशन स्टार्ट करूँ शायद। मैं बुक रीडिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ बहुत सालों से, बट हमेशा मैं कोई भी बुक जो है वो यूट्यूब पे ऑडियो और उसका ऑडियो सुन के बस निकाल लेता हूँ, कि बेसिक कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर लेता हूँ कि ये बुक एग्जैक्टली है क्या, कोई भी बुक हो फिर वो। तो वो एक है, वो मुझे बुक रीडिंग एक स्टार्ट कर सकता हूँ मैं, और वैसे बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ जो इंटरनेट मुझे करने से रोकती है कई बार। तो इंटरनेट ना होने के बावजूद मैं, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें होंगी करने के लिए, पर मैं नहीं जानता कि यही जो यही सोच जो है सबकी होगी। शायद कुछ लोगों का काम 100% जो है इंटरनेट पे डिपेंडेंट होता है, और कुछ लोगों का काम कुछ लोगों के शायद इनकम सोर्स ही इंटरनेट है। अगर कल को जाके अगर इंटरनेट पूरी तरह से शट डाउन हो गया तो पता नहीं इन लोगों क्या होगा। मुझे पता नहीं एग्जैक्टली बाकी लोग इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हो, आप आप क्या सोचते हो कि इंटरनेट अगर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, आप क्या करोगे बेसिकली। आप कमेंट में लिखिए, मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा अगर आप ये भी इंटरनेट का ही
यू नो एक एडवांटेज है कि मैं आपको अगर कोई सवाल पूछता हूँ तो आप बहुत आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं और आपका जवाब मेरे पास पहुँच सकता है, आपकी सोच मेरे पास पहुँच सकती है। लेकिन अब जब बहुत लॉकडाउन जब सब कुछ अभी लॉकडाउन है अगले 21 दिन के लिए और अपने पास कुछ है नहीं करने के लिए, तो वाई नॉट शेयर यू नो ईच अदर्स थॉट लाइक दिस कि आपको क्या लगता है अगर इंटरनेट आपकी ज़िंदगी में नहीं रहा कुछ दिनों बाद या कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए, तो आप क्या करेंगे? प्लीज़ कमेंट में देखिए, मैं जानना चाहता हूँ। और जल्दी मैं सेकंड वीडियो लेके आऊँगा क्योंकि दिन भर मेरे पास काम करने कुछ है नहीं तो शायद मैं कुछ रिव्यूज़ करूँ मूवीज़ के, या फिर कोई म्यूज़िक आपको सजेस्ट करूँ, या फिर कोई मूवी आपको सजेस्ट करूँ, या फिर थोड़े स्केचिंग करके आपको दिखाऊँ, क्योंकि अभी मेरे पास आप ही हो जिनसे मैं बात कर सकता हूँ, और कोई नहीं है। थैंक यू।